नमस्ते, सनातन रहस्य के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैंने भी डॉक्टर सिद्धेश्वर पांडा। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी और स्पाइस इरिगेशंस के बारे में। तो जैसे मेरा ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बहुत से डिस्कशन चल रहा है, तो अभी इसमें वीडियो के थ्रू जो कोई अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर कोई डाउट है आप सभी को या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड व्हाट इज स्पाइस इरिगेशंस। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिकल कहा जाए तो एक न्यू साइंस है, जो कि एक कॉम्प्लीट साइंस है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज का कोई यूज नहीं करता। यहाँ पर थ्री कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी कह रहे हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रो होमायो एंड पैथी। इलेक्ट्रो मीन्स बायो एनर्जी, जो ये नेचर की जो शक्ति होती है जो प्लांट में वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है, तो इन सभी का यूटिलाइज किया जाता है। इसमें होमोस्टैटिक सिमिलर आप जिसे कहा जाए होमोस्टैटिक एनर्जी। होमोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, जो बॉडी के सेल एंड टिश्यू के भीतर जो फिजिकल एंड केमिकल रिलेशन रखता है उसे कहता है होमोस्टैटिक एनर्जी। पैथी मीन्स मोड ऑफ ट्रीटमेंट और साइंस। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मतलब ये होता है जिस साइंस में हम बायो एनर्जी की यूटिलाइज करके एटमोस्फेयर की या नेचर की शक्ति को ही प्रयोग करके जो बॉडी के फिजिकल और केमिकल बैलेंस किया जाता है उस सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यहाँ पर जो मेडिसिन ये 1865 में इटली में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के द्वारा इन्वेंटेड हुआ है। इटली तो ये हो गया शॉर्ट टर्म डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेडिसिन कहा जाता है उसे कहते हैं स्पाइस इरिगेशंस, जैसे लिखा है स्पाइस इरिगेशंस। जो रॉ कोहबेशन प्रोसेस है जो रॉ मेटेरियल यूज होता है प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं रॉ एसेंस को कहते हैं स्पाइस इरिगेशंस। स्पाइस इरिगेशंस स्पाओ एंड एजेरियो दो लैटिन वर्ड से मिलकर हुआ है स्पाइस इरिग। स्पाओ का मतलब है सेपरेट, एजेरियो रीयूनाइट। तो यहां पर क्या होता है, प्लांट के मटेरियल से उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मतलब जितने भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है और फिर से रीयूनाइटेड करके पूरा का पूरा मेडिसिन किया जाता है। इस प्रोसेस में जो यूज होता है फ्रेश प्लांट्स जो यूज होते हैं उसमें कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल उसका वेस्ट नहीं होता कंप्लीट। जितने मान लीजिए आपने 5 किलो का लिया है तो 5 किलो का कंप्लीट वो यूज ही होता है। जैसे अदर सिस्टम में होता है कुछ यूज करते हैं बाकी रेसिड्यू जो फेंक देते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी उसको फेंका नहीं जाता। इस प्रोसेस से जो बनता है मेडिसिन उसको हम स्पाइस इरिगेशंस कहते हैं। अभी देखते हैं स्पाइस इरिगेशन मेडिसिन कैसे बनता है। जनरली स्पाइस इरिगेशन से बनता है तीन तरीके से प्रोसेस से बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्रोसेसेस, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्टिलेशन,
फर्मेंटेशन एंड आफ्टर कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस में जो प्लांट की जो थ्री मेन प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे हमें पता है फूड में भी थ्री प्रॉपर्टी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, उसी तरह जैसे हम कह सकते हैं जैसे मेन लेके टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है बॉडी सोल एंड माइंड के द्वारा बना हुआ है, तो उसी तरह इसे भी कहते हैं हम अल्केमी के टर्म में कह जाते हैं, क्योंकि इस बायोलॉजी की जो टर्म आया हुआ है वो अल्केमी से ही आया हुआ है। तो अल्केमी के बारे में हम लेटर डिस्कशन करेंगे, अभी ये प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें से उसका जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल जो होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, या जिसे अल्केमिकल टर्म में कहा जाए सल्फर। ये वो सल्फर के साथ जो आपके मिनरल्स मिलता है उसके साथ कोई इसका सामंजस्य नहीं है, ये वोलेटाइल एक अल्केमिकल टर्म है सल्फर, जिसे कहते हैं वोलेटाइल ऑयल के लिए। तो पहले वो वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट किया जाता है, उसके बाद जो प्लांट का रेसिड्यू रहेगा उसमें हम उसका मर्क्यूरी और अल्कोहलिक मर्क्यूरी ये पारा के साथ संबंध नहीं है, ये मर्क्यूरी यहाँ पर ये टर्म होता है अल्केमी का टर्म, जो कि अल्कोहलिक जो रेस्ट रेसिड्यू जो रहा, जैसे हम अभी अल्कोहल बनाते हैं मैं दिखाऊंगा आप सबको, तो उसी तरह ये मर्क्यूरी का सेपरेट किया जाता है। उसके बाद कैल्सिनेशन प्रोसेस से जो सॉल्ट जो होता है, जैसे हम भस्म भी कह सकते हैं, तो भस्म एक्चुअली आस होता है, आस के बाद के जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सॉल्ट कहते हैं। तो इस प्रोसेस से उसका सल्फर, मर्क्यूरी एंड सॉल्ट ये तीनों को सेपरेट पहले किया जाता है, उसके बाद उसको फिर से रियूनाइटेड किया जाता है। तो ये प्रोसेस को कहते हैं आपका स्पाइजरी एसेंस एंड कोवेशन प्रोसेस। जैसे आप मेरे ये पीछे देखिए, होता है डिस्टिलेशन ऑपरेटस। तो इसमें वो डिस्टिलेट करके उसका जो स्टेम निकाला जाता है, जिससे उसका ऑयल पार्ट फर्नेस ये एक होता है ऑयल सेपरेटर से, उसको सेपरेट किया जाता है। ये भी एक ही तरह का है आपका डिस्टिलेशन ऑपरेटर से, तो इस तरह किया जाता है। उसके बाद जो रहा आप सभी को दिखाने के लिए, उसके बाद इस तरह उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। देखिए इसमें प्लांट रेसिड्यू है, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, आपको दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा किया हूँ। तो ये इसको गला के, जैसे कहते हैं ना सड़ा के गला के, उसको इसके डालते हैं और उसको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आता है, जो रेस्ट जो रह गया, मान लीजिए वोलेटाइल ऑयल हमने निकाल लिया, उसके बाद जो रहा उसको मर्क्यूरी के लिए, जैसे आपने देखा है फर्मेंटेशन के लिए, तो उसको किया जाता है। उसके बाद जो रेस्ट रह गया, उसको जो फिल्टर करने के बाद जो रह गया, वो पार्ट को नियर अबाउट एक इंस्ट्रूमेंट होता है मफल फर्नेस, जिसे इंस्ट्रूमेंट होता है मफल फर्नेस। तो इसमें 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हीट करता है, तो इसमें से 600 डिग्री 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर में उसको आस करते हैं, और उसके बाद उसका सॉल्ट वाली जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। क्यों 500 से 600 को कहा जाता है, क्योंकि 300 डिग्री अबव सेंटीग्रेड के बाद ही उसका कार्बन पार्टिकल्स जितने होते हैं प्लांट का वो नष्ट होते हैं,
तो इन प्रोसेस से जो पेयर सेपरेट जो किया गया उसको फिर से फिल्टर करके तीनों को मिलाया जाता है और नियर अबाउट 1.5 महीने से 2 महीने तक उसको डाइजेशन प्रोसेस के लिए रखा जाता है, जिसके द्वारा उसका जो प्योरीफाई होकर जो रहा जैसे मर्क्यूरी सल्फर और सॉल्ट ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसके बाद इसको मेडिसिन के आकार में यूज करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा इसके डाइल्यूशन के बारे में, जैसे अब स्पाइजरी का हमने थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया, उसके बाद उसका डाइल्यूशन कैसे बनता है उसको बताएं।